Hello friends, in the last video we have already discussed about the fundamental of DNA replication, and as I have promised, today I will gonna start DNA replication in eukaryotes. As DNA replication in eukaryote is a long process and is a complex process, I have divided it into 5 parts. Those 5 parts are like DNA polymerase, initiation, elongation, termination and telomere replication. In today's video, we will discuss about DNA polymerase. In the upcoming video, we will discuss the latter ones. Okay, so this video series will be divided into 5 parts. Okay, so you have to stay tuned with the channel and let's start DNA polymerase. So we will start from DNA polymerase today. And as we know previously, the DNA replication is a process of making identical copies of DNA double helix. हमें पता है कि DNA replication process में क्या होता है? ना DNA double helix का identical copy बनता है. In eukaryote, the DNA condenses to form chromosome, where the replication at telomeric region and heterochromatin region is slow. हमें पता है कि chromosome में दो तरह के region होते हैं. एक है heterochromatin region, दूसरा है euchromatin region. और तीसरा है सेंट्रोमेरिक रीजन एंड चौथा है टेलोमेरिक रीजन. जो टेलोमेरिक रीजन होता है वो सबसे एंड में पड़ता है, और जो हेटरोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन रीजन है वो हेटरोक्रोमाटिन रीजन क्या होता है, जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं. और जो यूक्रोमाटिन रीजन होते हैं उनमें क्या होता है ना, उनमें असल में वो कोडिंग रीजन्स होते हैं. एंड जो सेंट्रोमेरिक डीएनए है उसमें क्या होता है ना, वो प्राइमरी सेटेलाइट की तरह काम करता है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ना, यूक्रोमाटिन और सेंट्रोमेरिक रीजन में फास्टर होता है और हेटरोक्रोमाटिन एंड टेलोमेरिक रीजन में स्लोअर होता है. ठीक है, सो इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, वेयर डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्चुअली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स एंड कंटिन्यू द प्रोसेस. एंड द डीएनए पॉलीमरेज 1 इट एक्चुअली रिमूव्स द आरएनए प्राइमर एंड फिल द गैप विथ डीएनटीपीज. But situation with eukaryotes is little bit different, where 5 types of DNA polymerase are present. अगर हम देखेंगे जो prokaryote होते हैं वहाँ पे DNA polymerase 3 क्या करता है ना, वो actually nucleotide को add करता है और process को continue करता है. और DNA polymerase 1 क्या करता है ना, वो RNA primer को remove करता है और gap को fill करता है DNTP की तरह. तो वो क्या होता है ना, वो basically वो दो मिलकर वो पॉलीमरेज एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं. लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट में क्या होता है ना, 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं. जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, देन डेल्टा है, एप्सिलॉन है, बीटा है, गामा है. ठीक है, तो सबका कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं. लाइक डीएनए पॉलीमरेज अल्फा वो क्या करता है, इट इनिशिएट्स इन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या होता है ना, वो आरएनए डीएनए प्राइमर फॉर्मेशन करता है, जो हाइब्रिड प्राइमर होते हैं वो फॉर्मेशन करता है, और लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड में इनिशिएशन करवाता है. ठीक है, अगर हम देखेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो क्या होता है ना, इट्स सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड. ये क्या होता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करने में खुद ही जिम्मेदार होता है. और जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, उसका फंक्शन बहुत सारे बुक्स में लिखा है कि उसका फंक्शन अभी तक भी अननोन है, मतलब कि उसका एग्जैक्ट फंक्शन पता नहीं है. लेकिन मैंने एक पेपर से इसको डिस्कवर किया कि इसका फंक्शन है लीडिंग स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करना. और फिर जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा है, उसका फंक्शन है डीएनए रिपेयर प्रोसेस करना. और जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है, उसका फंक्शन है वो एक रेप्लिकेटिंग एंजाइम की तरह काम करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में. जैसा कि हमें पता है कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये आप इस पेपर को देख सकते हैं, जो कि 28 सितंबर 2007 में पब्लिश हुआ था, जिसमें ओल्गा चिल्कोवा एंड उनके जो अदर मित्रों या फिर उनका एसोसिएट्स कह सकते हैं, उन्होंने मिलकर ये पेपर बनाया था, जो कि न्यूक्लिक एसिड रिसर्च में पब्लिश हुआ था, वॉल्यूम 35 में. तो उस पेपर में मेंशन किया गया है डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिविटी को. आप वहाँ पे जाके यूकैरियोट में जो जो भी डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, उनके डीओआई देख के आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इससे आप वो सारे डाटा को आप
खुद ही देख सकते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ इसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, जहाँ से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसका और भी कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसा कि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। हमें यहाँ पर जाने से पहले उस एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियेजेस आर एंजाइम्स दैट वर्क बाय क्लीविंग न्यूक्लियोटाइड्स वन एट अ टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इफ वी सी दैट एक्सोन्यूक्लियेज दे एक्चुअली क्लीव फ्रॉम द एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट मीन्स ये डीएनए को बाहर से कट करता है, ठीक है। जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसके एंड से ये इसको कट करता है। तो ये कट करने से क्या होगा? ये एक्चुअली प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। जब डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है ना, डी एंटिटीज को ऐड कर रहा है, दैट इज डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ओके, दैट इज डीएटीपी, डीजीटीपी, डीपीटीपी, डीसीटीपी, ओके, इट एक्चुअली ऐड्स लाइक दैट, ओके। तो क्या होता है ना, कई बार वो ऐड करने के दौरान गलत हो जाता है, वो प्रोसेस में थोड़ा कुछ कुछ गलतियाँ हो जाते हैं, तो उन गलतियों को सुधारने में ये काम आता है, ठीक है। हम इसको साइंटिफिकली बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग में ये एक्चुअली हेल्प करते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो असल में डीएनए रिपेयर में काम करते हैं, ठीक है। जो एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो दे आर एंजाइम्स दैट क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दैट मीन्स क्या होता है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लिप करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है किसके बीच में, हमने पढ़ा था डीएनए के स्ट्रक्चर के दौरान कि ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं ये फॉस्फेट ग्रुप और सुगर के बीच में बनते हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे देता हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वो जो एक्सोन्यूक्लियस के पास। तो वो उसमें क्या होता है ना, वो जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है उसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, ना तो 3' से 5', ना तो 5' से 3', कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास नहीं है। उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा, उसके पास भी कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मौजूद नहीं होता। लेकिन हम देखेंगे अगर डीएनए पॉलीमरेज गामा, देन डेल्टा, देन एप्सिलॉन, इनके पास क्या है ना, इनके पास 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होते हैं, दे हैव द एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी फ्रॉम 3' टू 5', बट नो सच एंजाइम इज एक्चुअली हैविंग द एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन, ओके। किसी के पास भी 5' से 3' तक कोई भी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जिनके पास एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो प्रूफ रीडिंग में या फिर आप बोल सकते हैं डीएनए रिपेयर में वो लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। बस इतना ही है टुडेज क्लास के लिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और मेरा प्रेजेंटेशन तो आप एक लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।